वेलकम गाइस टू राइट एकेडमी। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग एमबीपीएससी और अदर एग्जाम के फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकार। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमबीपीएससी प्री में जो यूनिट 10 है उसमें जनजातीय जो है उसमें से ये पोर्शन है जो कि आपके लिए न्यू भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ओके, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकार जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पेमा फालिया फी। ओके, किसको? पेमा फालिया गील। इनको अगर देखें ओके तो मोस्ट ऑफ यू जैसे आप लोग पता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, अलीराजपुर जिला, पहले जो कि झाबुआ आता था, अभी आप इनको याद कर लीजिए किसमें, अलीराजपुर। ओके, मोस्टली झाबुआ वाला पोर्शन भी है। ओके, तो ओल्ड वाले में अलीराजपुर झाबुआ ओके जिले में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके सबसे इम्पोर्टेंट है तो जो पेमा फालिया जी है एक पिथौरा चित्रकला है ओके उसके श्रेष्ठ चित्रकार हैं। ओके, किसके लिए? पिथौरा चित्रकला। ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि पिथौरा इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है पिथौरा चित्रकला से। ओके, और पिथौरा चित्रकला का किससे संबंधित, भील जनजाति से, जैसे इनका नाम ही है। ओके, तो पिथौरा चित्रकला को बहुत ज्यादा हद तक फेमस करने का श्रेय किसे दिया जाता है, पेमा फालिया जी को दिया जाता है। ओके, अभी इनका सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2020 में इनका निधन हुआ है, तो आप ये भी याद रखिए कि इनका निधन कब हुआ है, 2020 में इनका निधन हो गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि पेमा फालिया का संबंध किस चित्रकला से है। ओके, तो किससे? पिथौरा चित्रकला से है। और साथ ही ओके इनमें इनका जन्म कहाँ हुआ था, अलीराजपुर झाबुआ में हुआ था। अगर दूसरे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो आप लोगों ने एक बार नाम सुना होगा जोधैया बाई। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रमुख चित्रकार में से एक और जोधैया बाई। ये न्यूज में भी थी काफी समय तक, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ओके, जोधैया बाई इनका जन्म ये देखें तो जोधैया बाई किससे है, बैगा जनजाति से संबंधित है। किससे? बैगा जनजाति की जोधैया बाई, और इनका जन्म हुआ है उमरिया में। तो एक तो सबसे पहले ये किससे संबंधित है, बैगा जनजाति से। ओके, बैगा जनजाति की है और इनका जन्म स्थल कौन सा है, उमरिया जिला। कहाँ है? उमरिया जिला। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, उमरिया जिला में हुआ है। ओके, और यह एक प्रसिद्ध क्या है, आदिवासी चित्रकार है। जैसे झांसी बैगा जनजाति से, तो इस तरीके से होंगे प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार है। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2021 में इन्हें नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। ओके, कि 2021 में क्या किया गया, नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। और 2022 में इन्हें क्या मिला है आपको, पद्मभूषण। ओके, पद्मभूषण, तो वो आपको याद रखना है। ओके, किसको? जोधैया बाई। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, नारी शक्ति सम्मान हो गया, उमरिया जिला, बैगा जनजाति की, क्लियर हुआ। एक अब जो नेक्स्ट नाम है वो आपका है भूरी बाई। कौन सा? भूरी बाई। नेक्स्ट चित्रकार में भूरी बाई, तो इनके बारे में देखते हैं। भूरी बाई के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म भी झाबुआ जिले में हुआ है और पेटोल गाँव में हुआ है। कहाँ पे? झाबुआ जिले के पेटोल गाँव। झाबुआ जिले के पेटोल गांव, कहाँ हुआ? झाबुआ जिले के पेटोल गांव में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म स्थल हो सकता है भूरी बाई का। ओके, अब ये भी जो है ये सेम उसी चित्रकला से संबंधित है जिससे किससे थी, पेमा फालिया जी। इसका अर्थ है भूरी बाई का भी संबंध किससे है, पिथौरा चित्रकला से। ये तो आपको दोनों में कॉमन क्या मिल गया कि ये भी किससे संबंधित, पिथौरा से, और पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है, भील जनजाति से। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री मिला है, किसको? भूरी बाई को। ओके, 26 जनवरी 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला है। ओके, तो
इन्हें क्या मिला 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, ये दोनों नाम आप लिंक नहीं कर पा रहे होंगे। अगर एक और नाम देखें हम लोग, ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट है दुर्गाबाई व्यास। ओके, कौन? दुर्गाबाई व्यास। हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं। चित्रकला भी कहते हैं। कौन सी? डिगना। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी? डिगना चित्रकला। कौन सी? डिगना चित्रकला। ओके, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किससे? डिगना समाज। अब इम्पोर्टेंट है 2022 में पद्मश्री मिला है भारत सरकार की तरफ से। ओके, तो दुर्गाबाई को भी 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ओके, तो 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो एक तो इम्पोर्टेंट हो गया। अगर एक लास्ट देखें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक चित्रकार में, ओके, तो एक और नाम आता है भज्जू सिंह श्याम। कौन सा? भज्जू सिंह श्याम। भज्जू सिंह श्याम। ओके, तो इनके बारे में देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले, ओके, इनका ये किस चित्रकार से? भी गौण चित्रकार है। कैसे? गौण चित्रकार, यानी सेम ही वाले से। ओके, भज्जू सिंह श्याम से संबंधित है, गौण चित्रकला से ही संबंधित है। तो आपको ये दोनों नाम भी एक साथ ही याद रखना है ताकि आप याद रख सके। दूसरी चीज, इनका जन्म स्थल भी कौन सा? डिंडोरी जिला ही है। ओके, भज्जू सिंह श्याम का ही जन्म कहाँ हुआ? डिंडोरी जिला में ही हुआ है। और साथ ही ये कह सकते हो पाटनगढ़ में हुआ है। एक अगर पर्टिकुलर स्थान याद करना हो तो कहाँ हुआ? पाटनगढ़। ओके, डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ नाम वाले स्थान पर इनका जन्म स्थल हुआ है। तो एक तो ये हो गया। ओके, ये जो पाटनगढ़ गांव है इसे चित्रकारों का गांव कहा जाता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि पाटनगढ़ को क्या कहा जाता है? चित्रकारों का गांव। ओके, चित्रकारों का गांव कहा जाता है जिसको? पाटनगढ़। तो आई होप आपको ये याद रहेगा कि ये सभी। ओके, अब दूसरी चीज अगर देखें कि इसमें से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो मोस्टली आपको सबसे इम्पोर्टेंट रखना है कि किसका संबंध किस चित्रकला से है। ओके, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिनमें से मोस्टली इम्पोर्टेंट है पेमा पालिया भी, ओके, जोधैया बाई, दुर्गाबाई, भूरी बाई जो भी करेंट अफेयर में थी, और साथ ही आपके क्वेश्चन भज्जू सिंह श्याम। अगर ये याद है तो इम्पोर्टेंट ही है, जो इतने जो चित्रकार हैं, जो लोक चित्रकार हैं। ओके, तो आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा और बेटर आप इसमें समझ पाए होंगे कि आपको क्या क्या याद रखना है। ओके गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको इस तरह के सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।